देवघर रेलवे स्टेशन से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम दिखाने वाले हैं दोस्तों देवघर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जब भी आप लोग बाबा धाम जाना चाहते हैं तो आप लोग देवघर जंक्शन आइए, वहाँ से आपको 5 किलोमीटर की दूरी पर बाबा जी का दर्शन करने का मंदिर है। तो चलिए आपको पहले दिखाते हैं कितना बदल गया है पहले से और क्या क्या सुविधा है देवघर जंक्शन। सबसे पहले तो यहाँ पे एक तिरंगा है अपना फ्लैग, और देख सकते हैं मेरे इस साइड सामने है रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, ये है स्टेशन का बाहर का सीन। यहाँ से आपको लगभग 20 रुपया किराया लगेगा देवघर रेलवे स्टेशन से, जो है कि बाबा जी का दर्शन करने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं, तो चलिए हम चलते हैं स्टेशन के अंदर और आपको दिखाते हैं बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है रेलवे स्टेशन। चलिए चलिए दोस्तों, स्टेशन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आ चुका हूँ स्टेशन के काफ़ी नज़दीक, और चलिए टिकट वगैरह लेते हैं। हमको तो जाना है देवरिया, तो सोचा हमने कि आपको लोगों को देवघर जंक्शन रेलवे स्टेशन दिखा दें, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये है टिकट काउंटर और ये है हाल जहाँ पे लोग अपना अपना सामान के बिस्तार। दोस्तों देख सकते हैं, ये है देवघर जंक्शन रेलवे स्टेशन का सीन। अंडरग्राउंडिंग पास बना है दोस्तों, प्लेटफार्म नंबर 3 पे जा रहे हैं हम लोग। ये है दोस्तों गोरखपुर देवघर एक्सप्रेस ट्रेन।